Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says the dimension of a room are 14 meter into 10 meter into 6.5 meter. There are two doors and four windows in the room. Each door measures 2.5 meter into 1.2 meter and each window measures 1.5 meter into 1 meter. Find the cost of painting four wall of at rupees 9.50 per meter square. ठीक है, मैं cost find करनी है जो four wall painting होगी, four walls होती हैं उसकी painting की जो cost होगी वो क्या होगी, यह हमें find out करना है. देखिए find करते हैं कैसे. So यहाँ पे हमारे पास given information क्या है, see dimension हमें given है room की, ठीक है, that is ये कितनी है, dimension of a room ये 14 meter into 10 meter into 6.5 meter और उसके अंदर two doors हैं और four window हैं, जिसमें हमें door की जो measurement है वो given है, door measures 2.5 meter and door की हमें measurement पता है, ये कितना है 2.5 meter into 1.2 meter और हमें विंडो की मेजर्स पता है, दैट इज जो डायमेंशन है वो कितनी है 1.5 मीटर इनटू 1 मीटर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब अपने घर के रूम में रहते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका जो घर है और उसमें जो वॉल्स हैं उनकी डायमेंशन 14 मीटर इनटू 10 मीटर इनटू 6.5 मीटर है. ठीक है, और आप इमेजिन कीजिए उसके अंदर दो डोर हैं और फोर विंडो हैं, ठीक है, जिनकी डायमेंशन इतनी इतनी हमें गिवन है, डोर की 2.5 मीटर इनटू 1.2 मीटर और विंडो की 1.5 मीटर इनटू 1 मीटर. ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारा जो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू ये किसके होता है, टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इनटू एच. ठीक है, जहां पे एल हमारी लेंथ है और बी हमारी ब्रेथ है और h हमारी क्या है, हाइट है. ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप इमेजिन करने कि आपके घर में दो डोर हैं और फोर विंडो हैं. देन अगर हम एरिया ऑफ फोर वॉल की बात करें तो जो चारों आपकी वॉल होती है रूम की, तो उसके उसका एरिया अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट मींस उसके अंदर इंक्लूडेड होगा किसका एरिया, जो हमारे डोर होंगे और विंडोज होंगे. ठीक है, डोर्स और विंडो दोनों का एरिया क्या होगा, इंक्लूड होगा विद इंक्लूड. नाउ उसके अंदर हमें कह रहा है कि हमें सिर्फ वॉल को पेंट करना है ना कि डोर को और विंडो को करना है. देन हमें क्या करना होगा, आपको समझ आ रहा होगा, अगर हम जो वॉल का एरिया है आपके रूम के उसमें से विंडो का एरिया जो फोर विंडो है और प्लस टू डोर जो है आपके रूम में उनका एरिया अगर हम माइनस कर दें, देन जितना भी एरिया मिलेगा वो हमें किसका मिल जाएगा, यस ऑब्वियसली वॉल का मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ वॉल फोर वॉल का जो एरिया होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे किसका एरिया, जो एरिया ऑफ टू डोर्स प्लस एरिया ऑफ फोर विंडोज. नाउ यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ फोर वॉल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए टू टाइम्स ऑफ, अब यहां पे देखिए डायमेंशन हमें गिवन है
जो हमारा रूम है दैट इज 14 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 6.5 मीटर. तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 14 मीटर और जो ब्रेथ होगी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर और जो हाइट हो जाएगी वो 6.5 मीटर. ठीक है, किसी भी रूम को बनाने के लिए ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड आपको पता है कि होती हैं. नाउ अब देखिए L हमारा कितना है, यानी लेंथ उसकी कितनी है 14 है और B ये हमारा 10 है और H हमारा है 6.5. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये हमारा होगा 24 इंटू 6.5. देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी. देखिए ये आ जाएगा हमारा 312. इतना यूनिट क्या होगी इसकी, एरिया है तो हमारा ऑब्वियसली यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर होगी. ठीक है, नाउ अब देखिए एरिया ऑफ टू डोर का क्या होगा. देखिए डोर की हमें डायमेंशन क्या क्या गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 1.2 मीटर. अगर हम एक डोर का एरिया निकालेंगे तब तो हम 2.5 इंटू 1/2 करेंगे, और अगर यहाँ पे डोर हमारे कितने गिवन है, टू डोर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए डोर हमारी क्या कि ये हमारी क्या 2.5 हमारी लेंथ है और जो 1.2 क्या ये हमारी ब्रेथ है. तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है. ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज हम कह सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है. तो ये इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 और 1.2 इंटू 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. देन वी गेट ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, जो एरिया ऑफ टू डोर आ रहा है वो कितना 6 मीटर स्क्वायर आ रहा है. सिमिलरली हम एरिया ऑफ 4 विंडो का फाइंड करेंगे. देखिए सिंपल जो अगर एरिया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारी अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन 1.5 इंटू 1 हो जाएगा. बट यहाँ पे वो हमसे कह रहा है कितनी डोर है, डोर हमारी 4 है तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. लेंथ इंटू ब्रेथ वो हमारा क्या होता है, एरिया होता है. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं और ये 4 तो 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें 6 मीटर स्क्वायर. ये भी हमारा कितना मिल रहा है 6 मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे निकाल लेंगे एरिया ऑफ किसका पेंटिंग, जहां पे हमें पेंटिंग करवानी है ऑफ 4 वॉल्स. ठीक है, हमें पूरी जो 4 वॉल्स हैं उसमें जिसमें इंक्लूड है क्या हमारी डोर और विंडोज वो भी इंक्लूड है, हमें उनकी पेंटिंग नहीं करवानी, हमें सिर्फ वॉल की पेंटिंग करवानी है. तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमने जो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाला है टोटल में से हम 2 डोर्स का और विंडो का एरिया माइनस कर देंगे. ठीक है, तो देखिए अप्लाई कीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा 3/12 माइनस 6+6. ठीक है, टोटल जो वॉल का एरिया था उसमें से हमने डोर का और विंडो का माइनस कर दिया, जो 4 विंडो है और 2 डोर है. देन हमें ये कितना मिल जाएगा, जो हमें पेंटिंग एरिया मिल जाएगा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6+6 12 माइनस कर देंगे तो 300 मीटर स्क्वायर होगा. नाउ हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. ठीक है, पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी, तो ये देखिए हमारी हो जाएगी. देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी रुपीज है 9.50. ठीक है, तो अगर हम 300 मीटर स्क्वायर की बात करें
देन क्या करेंगे 9.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. देन फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें कितना मिल जाएगा 2850, हमारी जो कॉस्ट आ जाएगी 2850. नाउ ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे. हेंस जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा. दैट इज ये कितना आ रहा है रुपीज 2850. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.